से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेलिस्ट में, जिसका नाम है हेयर फॉल का सॉल्यूशन प्लेलिस्ट। सो दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं डे 9 में। रेगुलरली हम वीडियो पोस्ट कर रहे हैं और हमारे बहुत से ऑडियंस जो हमारे से जुड़ गए हैं रेगुलरली हमारी वीडियोस को देख भी रहे हैं और हमारा रिस्पॉन्स भी चेक कर रहे हैं। जैसा कि मेरी रिसीडिंग हेयरलाइन पीछे की ओर जा रही थी, डिक्रीज कर रही थी और मेरा हेयर लॉस बहुत तेजी से हो रहा था। जैसे कि आपने स्टार्टिंग स्टेज वाली वीडियो अगर ध्यान से देखी हो तो आपको जरूर पक्का पता होगा और आपने जरूर देखी होगी कि मेरा रिसीडिंग हेयरलाइन से कितना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। तो अब मैंने अपने ट्रीटमेंट्स को स्टार्ट करते करते मुझे हो गया है आज डे 9 और काफी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल रहा है और मेरे ऑडियंस भी कंटिन्यूस वीडियोस को देख रहे हैं। इसके द्वारा भी उनको भी पता लग रहा है कि मेरा जो हेयर फॉल का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। तो दोस्तों, जो हमारे बाल आना शुरू हुए हैं, जो रोए हल्के हल्के आपको शो हो रहे हैं, इसका पूरा श्रेय हम अपने सोल्यूशन को या जो मेडिकेशन किट जो हम यूज कर रहे हैं इसको पूरा पूरा हम श्रेय इसको क्रेडिट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ ही हमको फॉलो करना पड़ता है अपने रूटीन को, अपने डाइट को। जैसे कि हमको रूटीन में हमको उठने और सोने का टाइमिंग बिल्कुल फिक्स करना पड़ेगा कि हम कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे जग रहे हैं, सबसे मेन चीज यही है। उसके बाद दूसरा जो हमारा डाइट आता है उसमें हमें जंक फूड नहीं खाना है, हेल्दी फूड खाना है। और इसके साथ ही हमें कुछ एक्सरसाइजेस भी करनी है, या आपने एक्सरसाइज कभी नहीं की है तो आप लाइट एक्सरसाइज से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे वॉकिंग हो गया, आप हल्की हल्की चीजें उठा सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा ही तेजी से जंक फूड का यूज करते हैं जो कि हमारे ब्लड को इम्प्योर कर देता है। तो सबसे पहले हमें जंक फूड खाना बंद करना होगा, और जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल बात है। आप भी यही सोच रहे हो कि मैंने क्या कह दिया है, तो सबसे पहले आपको जंक फूड ही खाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा जो प्यार था जंक फूड के साथ बहुत ज्यादा ही, साथ ही जो इसका साइड इफेक्ट जो मेन साइड इफेक्ट है ये आपके ब्लड पर सीधे इफेक्ट करता है, जिससे कि हमारा जो ब्लड है वो इम्प्योर हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ना शुरू होता है। वो अपने खून को प्योर करना है तो हमें अपना जो डाइट है वो ग्रीन वेजिटेबल या तो फिर न्यूट्रिशनल चीजों पर ध्यान देना होगा, खाना होगा, तभी आप अपने ब्लड को प्योर करेंगे और इसका जो रिजल्ट है वो आपके सर पर भी अच्छा दिखाई देगा। इसके लिए आप कुछ फॉलो कर सकते हैं, जैसे शीर्ष आसन कर सकते हैं, यानी कि हेड स्टैंड कर सकते हैं, हल्की हल्की एक्सरसाइज स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे अपने एक्सरसाइज को कंटिन्यूस बढ़ाएं। और इसका जो मेन इफेक्ट होगा, हमारे शरीर में पसीने के थ्रू जो टॉक्सिक कंपोनेंट होते हैं वो बाहर निकलना शुरू होंगे और हमारे बाल में अच्छे से जो हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका भी कुछ असर पड़ेगा, और जिससे कि जो हमारे जो बालों के ऊपर डेली लाइफस्टाइल और हमारी जो रूटीन है वो अच्छा वर्क करेगी। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए अब चलते हैं अपने ट्रीटमेंट की तरफ, जो कि हमारा है डे 9। हम अपने डर्मा रोलर के बॉक्स पर लेते हैं ओपन। तो दोस्तों, ये है हमारा डर्मा रोलर। और डर्मा रोलर जैसे ही अपने बॉक्स से निकालें, सबसे पहले जो हमारा प्रोसीजर होता है वो डर्मा रोलर को वॉश करना है। और वॉश क्यों करना है, हर वीडियो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया हुआ है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप स्टार्टिंग की वीडियो देख सकते हैं और आपको बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा कि डर्मा रोलर को वॉश करना क्यों ज़रूरी है। इसको बहुत अच्छे से वॉश करना है। क्यों करना है, अगर ये जानना है तो आप सीधे पिछली वीडियो प्रीवियस वीडियोस में जाएं, आपको पता चल जाएगा। ये दोस्तों, हम अपने डर्मा रोलर को सर पर कर लेते हैं यूज। कैसे करना है यूज, इसके बारे में आपको नहीं पता है तो बताए दे रहे हैं कि आपको सबसे पहले वर्टिकल करना है, फिर हॉरिजॉन्टल करना है, दोनों तरह से करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब सबसे पहले करते हैं अपने डर्मा रोलर को यूज 15 मिनट के लिए। You can be happy.
जैसा कि हमने 15 मिनट तक इस डर्मा रोलर को अपने सर पर अप्लाई किया है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं। नेक्स्ट जो हमको करना है, इस डर्मा रोलर को वॉश करना है। तो दोस्तों जैसे ही हम सर पर अप्लाई कर लें डर्मा रोलर को, तुरंत सैनिटाइज करें। सैनिटाइज क्यों करना है अगर आपको नहीं पता है तो बताए दे रहे हैं आपको कि इसमें कुछ जो कीटाणु होते हैं वो हमारे सर से इस डर्मा रोलर में लग जाते हैं, जिनको वॉश करना बहुत ज़रूरी है, नहीं नेक्स्ट डे अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो ये आपके सर पर आके इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस डर्मा रोलर को करते हैं पैक। नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर है, अब हमको करना है इस जो हमारे सॉल्यूशन है इसको अपने सर पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीका आपको हर वीडियोस में बताया गया है, सेम टू सेम अगर नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियोस में जाएं और आप देखें उनको कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है और कितना ml हमें सॉल्यूशन लेना है अप्लाई करने के लिए। तो जिसमें से कि मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ कि अपने सर पर ड्रॉप बाय ड्रॉप सब जगह इस सॉल्यूशन को फैलाना है और उसके बाद हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है। मसाज क्यों करनी है? क्योंकि हमने अभी रिसेंट में डर्मा रोलर अपने सर पर अप्लाई किया था, जिससे कि हमारे जो पोर्स हैं वो हल्के हल्के खुले हैं और ये इन पोर्स में सॉल्यूशन का अंदर जाना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे बाल निकलने में हेल्प करेंगे और जो हल्के हल्के जो रुएं निकले हैं उनको मजबूती प्रोवाइड करेंगे। तो जितना भी सॉल्यूशन हमारा बचा है उसको हम अपने पूरे सर पर अप्लाई कर ले रहे हैं और हल्के हल्के हाथों से मसाज भी करते जाना है। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि आपका सॉल्यूशन गिरे ना, नहीं तो वेस्ट ही होगा। तो दोस्तों हमने फाइनली अपना पूरा सॉल्यूशन अपने सर पर अप्लाई कर दिया है। अब 5 मिनट तक अच्छे से अपने हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है, जिससे कि जहां भी हमारा सॉल्यूशन नहीं पहुंचा है वहां पर अच्छे से पहुंच जाए। सब जगह पर अपने सर पर इसको फैला लेना है, जहाँ पर आपके बाल घने नहीं होंगे वहाँ पर आपके बाल घने हो जाएंगे और जहाँ पे आपके बाल बिल्कुल नहीं होंगे वहाँ पे हल्के हल्के बाल आ जाएंगे। इसके लिए इसको मसाज करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों हमें दो मेडिसन जो कि रेगुलरली में लेनी है रात में ताजे पानी के साथ, वो आपको स्क्रीन में जैसा कि शो कर रही है सेम टू सेम यही दवाइयां आपको लेनी है। और अगर आपके बालों में खुजली होती है या हल्का हल्का ऐसा लग रहा है जैसे इचिंग हो रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, डेंड्रफ है या तो फिर बाल रूखे रूखे हैं, तो आप शैम्पू का यूज़ कर सकते हैं जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा डे 9, जो प्रॉपर ट्रीटमेंट कर लिया है हमने कंप्लीट। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डे में, 10th डे में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।